हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सेक्टर प्रमुख की मीटिंग में आज उपस्थित हमारे मुंबई के अध्यक्ष संजय निरुपम जी, हमारे दिल्ली से आए हुए हमारे मनोज भाई, इस जिला के अध्यक्ष हमारे गंभीर भाई जी, भोसले साहब विरोधी पक्ष नेता रवि राजा जी, हमारे कांग्रेस सीनियर नेता बख्शी साहब, हमारे राम पंडालिया जी, हमारे उस पर बैठे भाई जगताप साहब, सुरेश शेट्टी जी, यादव साहब, महिला यादव जी, भूषण पाटिल, हमारे मुंबई के तमाम जिला अध्यक्ष, मुंबई के सभी सेल के अध्यक्ष, हमारे मुंबई के सभी सेल के यहाँ पे आए हुए पदाधिकारी और यहाँ पे उपस्थित, जैसा क्या भाई जगताप साहब ने बताया, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात का उदाहरण मैं दूंगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, इतना जबरदस्त अहंकार, बात करने का ढंग, चलने फिरने का ढंग में इतना अहंकार था इस कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश को आजाद कराया, उस पार्टी का नक्शा इस देश से हटाने की बात पक्का करने लगे और ये भूल गए कि जिस तरीके से देश को आजाद जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था, उस जमाने में ये खुद प्रमुख नहीं था, लेकिन इसी तरीके से लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके लोगों ने कांग्रेस का खून चढ़ाया और आज 2014 के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक हुआ, एक ही मुद्दा, एक ही चीज, लेकिन एक नौजवान पूरे देश में सारी वो बदनामी, सारी वो बदसलूकी, सारी वो जितनी सहयोग दे सकते थे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले, वो सब अपने कंधों पे अकेला लेके चले और आज फिर से इस देश के अंदर कई राज्यों में राहुल जी ने अकेले चल के अपने कंधे पे जो राज्य में सरकार लाने का काम किया और आज हमारे यहाँ पे बैठे हुए सभी जो खुद प्रमुख है या सेक्टर प्रमुख है, हम अगर उनसे थोड़ी सी ऊर्जा लेंगे तो मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ एक एक जो खुद प्रमुख है वो एक एक बूथ में अगर लीड दिलाएगा तो मुंबई शहर के अंदर जो हमारा पहले इतिहास रहा है 1995 से पहले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 70% से ज्यादा सीटें जो है वो सिर्फ कांग्रेस की, लोग परेशान है, पूरे 5 साल दलितों को हर तरीके से मारा गया और आज उनको खिचड़ी बनाने का काम, आज 5,000 किलो की खिचड़ी बना के सारे दलितों के घरों से अनाज लाके जो खिचड़ी बना रहे हैं, ये सारे दलितों के घर से अनाज नहीं लाया गया, ये सारे दलितों का घर देखने का काम किया पंडागे साहब, ताकि फिर कभी आएंगे तो इनको कायदे से बर्बाद करने का काम किया, ये आरएसएस की सोच एक जमाने से है, इसको समझने की जरूरत है। और आज इन 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ तो अध्यक्ष जी आपने देखा ये जो बूथ प्रमुख थे उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे पुलिस हो चाहे डुप्लीकेट मशीन लोगों की फोटो में थी या घरों में थी या ले जाने का काम किया, ऐसे लोगों को यही खुद प्रमुख लोगों ने पकड़ पकड़ के जो है मारने का भी काम किया और उनके ऊपर कार्रवाई कराने का भी काम। इसके बारे में विश्लेषण में ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा कि खुद प्रमुख जो है वो किस तरीके से काम करना चाहिए। जहां तक का मेरा जो ये एक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरे मलाड के अंदर मैंने जो प्रयोग किया हूं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज अगर मुंबई में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर की सीट आई या आज अगर मुंबई में सबसे ज्यादा हमारे बूथ लेवल पे कार्यकर्ता अगर कहीं पे सक्षम तरीके से काम करते हैं वो हमारे मलाड में करते हैं और हमारे मुंबई में भी इसी तरीके से होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज लोगों को जरूरत है, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान है, आप सिर्फ जाइए उनके घर पे, आप जैसे उनके घर पे जाओगे चाहे महिला होगी वो आपसे खुद जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, चाहे पुरुष होगा वो खुद आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा,
युवा रोड पर भटक रहा है, वो आपसे मिलने के लिए तैयार है। आप सभी जाके तो देखिए, आप जाके देखिए, अगर आपके पीछे एक बड़ा सैलाब नहीं खड़ा होगा तब मुझे आपके बोलना कि नहीं है। ये छोटी छोटी मीटिंग लोगों को लगती है, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास मोबाइल है। एक जंग हमने छेड़ी, एक जंग राहुल जी ने छेड़ी, वो ये थी कि मीडिया हमारे बारे में कुछ अच्छा ही दिखाती है, चाहे कितना भी बुरा ये देश की सरकार जो है वो करे, चाहे जितनी भी हरकतें हर जिला वाइज वो लोगों को सताने का काम करे, लेकिन कोई मीडिया दिखाने का काम नहीं करती। लेकिन जब से हमारे कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया अपने मोबाइल के ऊपर एक नया सा आह्वान शुरू किया पूरे देश में, आज तादाद हमारा बढ़ते चला जा रहा है। हमारी कैपेसिटी और की थी, हमने जितने बहुत प्रमुख बनाए थे उससे कई ज्यादा लोग आज अंदर भी है और बाहर भी करें। ये दिखाता है कि आज हमारे साथ लोग जुड़ने का तैयार है, हमारे साथ लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ने का तैयार है। महिलाओं की संख्या खास करके अभी हमारे एससी सेल से लोग आए हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ जिस जिस विभाग में आप जाएंगे आपको इसी तरीके से जो है ये हमारे मूल प्रमुख नहीं उसी समाज के दलित समाज के लोग आपका सत्कार भी करेंगे और सुनना भी चाहेंगे कि फिर से जो है किस तरीके से जो है उनको सुरक्षा मिल सकती है, उनको ताकत मिल सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बचाया जा सकता है। आज पूरा देश कर रहे और बातें इनके पास कुछ बताने की नहीं है, पुरानी पुरानी बातें, गंदी बातें, उल्टी सीधी बातें और सोशल मीडिया में धमकाने का काम कि आप अगर किसी के बारे में अगर सोशल मीडिया में गलत करोगे, डेमोक्रेसी ने पूरा राइट दिया है आपको, मैं कहता हूँ, मैं बैठा हूँ, भाई दत्ता जी यहाँ बैठे, अगर हमारे किसी भी बूथ प्रमुख के ऊपर कोई पुलिस वाले ने अगर कोई शिकायत करना या उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, जितना आप भर सकते हो, जितना आप बता सकते हो बताइए, इस सरकार की गलतियां पहुंचाइए लोगों तक का। लेकिन आपको अगर किसी पुलिस वाले डराने का काम किया तो हम दोनों भाई ने उसको यहाँ पे मुंबई शहर में छुड़ेंगे। एक एक कार्यकर्ताओं के साथ हम कार्यक्रम मोबाइल नंबर शेयर करने के तैयार है, किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे, तादाद से कभी लक्षण छिपी नहीं गई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़े हो अच्छे हो और मजबूत हो, 800 से लेकर 1200-1200 लोग 1600 से ज्यादा एक बूथ के अंदर नहीं होता। हमारा पर्चा बटे तो बूथ लेवल पे बटे, हमारी स्लिप बटे तो बूथ लेवल पे बटे। हमारा अगर नेता चाहे जो भी लड़ता हो ये मत सोचिए, जिस तरीके से इन 5 राज्यों में कार्यकर्ता ने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन है, कार्यकर्ता ने सिर्फ ये देखा कि राहुल गांधी जी खड़े हमको जिताना है। और इतिहास जो पिछले 15 सालों से जब से राज्य बने थे कुछ, तब से भारतीय जनता पार्टी का वहां पे जो है शासन राज उसको जमीन से छत्तीसगढ़ जैसे जगह से जो है उखाड़ के फेंकने का काम किया, पानी तक उनको नसीब नहीं हुआ। ये ताकत अगर जिसमें है हमारे बुद्ध के जो प्रमुख है उन लोगों में, यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से और काफी विस्तार में बाकी सब लोगों को बताने का काम करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि इस देश में जितने जिला अध्यक्ष हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, हमारे एक भी कार्यकर्ता को अगर दिक्कत होगी तो ये सब आपके साथ, आप जहां बुलाओगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह आपसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।